दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भारत में लॉन्च होने वाली किया की सेल्टॉस फेसलिफ्ट के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नई किया सेल्टॉस के डिजाइन में तो कोई बड़ा अपडेट नजर नहीं आने वाला है, मगर इसकी फ्रंट और रियर बम्पर के डिजाइन को अपडेट जरूर दिया जा रहा है। इसमें नया हेडलैम्प सेटअप और अपडेटेड टेल लाइट्स का फीचर्स भी नजर आएगा। नई सेल्टॉस फेसलिफ्ट में नई एलॉय व्हील्स भी नजर आ सकते हैं। तेज किए जा रहे मॉडल्स में से एक में सिल्वर एलॉय व्हील्स दिखाई दिए थे, जबकि बाकी मॉडल्स में स्टील व्हील्स नजर आए थे। नई किया सेल्टॉस की इंटीरियर की कोई भी झलक अभी दिखाई नहीं दी है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो किया के UBO प्लेटफॉर्म के तहत एडिशनल कनेक्टिविटी फीचर्स दिया जा सकते हैं। इस सेगमेंट में अब कॉमन होता जा रहा है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, यानी कि ADAS फीचर्स, जो नई किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट की टॉप वेरिएंट में दिया जा सकता है। केबिन को एक फ्रेश फील देने के लिए इसमें एक नई अपहोल्स्ट्री का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। किया सेल्टॉस की इंडियन मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ का फीचर नहीं दिया जा रहा था, जो इस बार नई मॉडल में दिया जा सकता है। हालांकि ये फीचर इसको इंटरनेशनल वर्जन में दिया जा रहा है। कोरियन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किया मोटर्स इस कार में डीजल इंजन का ऑप्शन देना बंद कर सकती है और इसकी जगह हाइब्रिड इंजन दिया जा सकता है। हालांकि भारत में कंपनी की ओर से डीजल इंजन बंद किए जाने की संभावना कम ही है, क्योंकि हाल ही में करेंट्स में भी कंपनी ने सेल्टॉस वाला डीजल इंजन ही दिया है। ऐसे में पहले की तरह इसमें दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन का ऑप्शन दिया जा सकता है। इसमें 1.4 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री फिटेड CNG किट का भी विकल्प रखा जा सकता है। तो आपको ये नई किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट वर्जन कैसे लगी, आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।